सुविधाओं को भी दर्शन कर लें। इस अभियान के लिए आए हैं उस अपने स्वच्छता अभियान में हमारा प्रयास करने का खीर सेवन किया कैसे जाता है। खीर सेवन का मतलब ये होता है कि एक पाव लड्डू चढ़ाए और 5 किलो खीर फैला के आप चले गए। खीर सेवन का मतलब तक जब आप चलें वहीं से जिस भगवान के लिए चलते हैं उनकी चर्चा करते हैं, उनके भजन गाते, फिर आप पहुँचें और फिर सामूहिक रूप से स्वच्छता सफाई करें, उनका दर्शन करें, फिर वहीं के साथ बैठ के प्रसाद लें। संगत में संगत और पंगत दोनों होने चाहिए साथ में, फिर जाके तीर्थ हमारा पूरा होता है, उसके पहले नहीं पूरा होता है। उसी का एक प्रकल्प देने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। किन किन संगठन यहाँ पर सर आए हुए हैं? आप दिखाई दे कई संगठन आए हुए हैं। सारे संगठन इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे मेनली ये किया जाता है गायत्री परिवार के द्वारा, लेकिन इससे जुड़े जितने संगठन हैं हमारे शहर के सारे संगठन इसमें भागीदारी करते हैं। और प्रमुख रूप से आप देख ही रहे हैं, सबको जानते हैं, जैसे गोमती मंडल के अभी मदन भैया हैं, हमारा पूरा गायत्री परिवार है और जितने भी संगठन हैं बाकी फेरी के जितने संगठन वो सब भी आते हैं। सब लोग खाली स्वप्रेरणा से आते हैं, उनके अंदर खुद प्रेरणा रहती है कि खाली सूचना रहती है, बाकी सब लोग अपने आप से चले आते हैं। भारतीय गायत्री परिवार के बैनर तले प्रत्येक वर्ष ये सामूहिक श्रमदान आयोजित किया जाता है। गोमती मित्रमंडल उसमें पूरी तरह से निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो स्वच्छता हमारा मुख्य लक्ष्य है उसी उद्देश्य के साथ गायत्री परिवार के बैनर तले गोमती मित्रमंडल परिवार भी पूरी शिद्दत के साथ इसमें शामिल होता है। यहाँ श्रमदान करता है स्वच्छता, उसके बाद लोग दर्शन करते हैं, सामूहिक भोजन करते हैं। और आज हम इस कार्यक्रम में अपनी बल्दी राय की टीम को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि लोग इतने सुकून से समय से आकर के श्रमदान में हिस्सा लिए और इस कार्यक्रम में सहभागी बने। ये जो आपका कार्यक्रम तो पहला कार्यक्रम तक मतलब आज हमेशा आप लोग आ चुके हैं? ये हम लोगों का 6ठा कार्यक्रम है, ये 6ठे वर्ष हम लोग पहुँचे हैं इस कार्यक्रम में और लगातार 6 वर्षों से हो रहा है। और हमेशा शहर के सांस्कृतिक संस्थाओं के लोग भी आते हैं, इसमें शामिल होते हैं और सब प्रेरणा से आते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।